हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम जा रहे हैं यमहा के शोरूम। नई वाली R15 आ गई है, शायद देखने को मिल जाए शोरूम में। वर्जन 3 ABS, एक्चुअली डुअल चैनल ABS है। ओके, सो दिस इज द न्यू R15 वर्जन 3 डुअल चैनल ABS एंड द न्यू कलर स्कीम लुक्स एक्चुअली रियली गुड। सो यू कैन सी द ABS रिंग इन ब्लैक कलर। एक्चुअली आपको पता ही नहीं चलेगा कि ABS रिंग है इसमें, इस ब्लैक कलर की है। और जो टैंक है वो मैट है, बाकी बाइक के कुछ पार्ट मैट हैं, कुछ नॉर्मल ब्लैक कलर के हैं। जैसे ये पार्ट शाइनी ब्लैक है, इसके बगल वाला पार्ट ब्लैक है, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में एक्चुअली। सो देर आर टू मोर डिफरेंट कलर्स, वन इज़ ब्लू एंड अदर वन इज़ रेड एंड सिल्वर, ना ग्रे कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कैसी लगती है। बाकी कंसोल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस ABS आ जाएगा इसमें। तो बाकी तो सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पे फोक्स कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट है और एग्जॉस्ट, तो और बाकी सब कुछ वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है, बस कलर चेंज हुआ है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है ये वाला स्टिकर वर्क। ये ग्राफिक्स उतने खास नहीं लगते हैं, थोड़े से चीप क्वालिटी के ग्राफिक्स लग रहे हैं देखने में सिल्वर ब्लैक पे। पहले वाले जो ग्राफिक्स थे काफ़ी बेटर लगते थे इससे। बाकी पेंट क्वालिटी और सब कुछ तो बहुत अच्छा कर दिया, काफ़ी अच्छा स्टेप है यमहा की तरफ से 150cc सेगमेंट में ABS डुअल चैनल वो भी। तो अब ये सीधा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गई है RS की, बिकॉज वो भी 165 की पड़ेगी, ये भी एकदम सेम रेट की पड़ रही है। बाकी यही मुझे दिखाना था, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैं आया था शोरूम आज। और तो जल्दी से इसकी टेस्ट राइड जब शुरू हो जाएगी तब टेस्ट राइड लेके बताएंगे कैसी है बाइक। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और एक और चीज़ पता चली है, एग्जैक्ट प्राइसिंग पता चल गई है ऑन रोड। इससे पहले जो प्राइसिंग थी वो शायद एक शोरूम थी, जो भी थी अब पता चली। जो आपने कलर देखा स्पेशल एडिशन वाला ब्लैक वाला, जिसको मैं कह रहा था ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है, तो उसकी प्राइसिंग है 1,70,700 रुपीज़ ऑन रोड। और जो नॉर्मल बाकी दो कलर्स रहेंगे, ब्लू वाला और आई थिंक जो उससे बेटर लगेंगे मुझे ऐसा लगता है, और जो बाकी दो कलर्स हैं उनकी प्राइसिंग है 167, मींस 1,67,000 और कुछ आई थिंक 400-500 रुपीज़ ऐसे कुछ है। तो ये एग्जैक्ट प्राइसिंग है ऑन रोड बाइक की विद इंश्योरेंस, तो जो कि अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर प्राइज हो गई है, बिकॉज 150cc के लिए क्लोज टू 2 लाख ज़्यादा लग रहा है मुझे अब। और आपको RS अराउंड 160 की ऑन रोड पड़ जाएगी कंप्लीट एकदम, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है कि बाइक में सिंगल चैनल ABS ही काफ़ी होता है, बिकॉज रेयर व्हील पे इतना कुछ वेट नहीं होता और इतना मायने नहीं रखता। मैं मोस्टली ड्यूक भी चलाता हूँ अपनी, तो अगर फ्रंट ABS ऑन है और रेयर ऑफ है तो ज़्यादा कंट्रोल में फील होता है मुझे। मीन्स मुझे ऐसा पर्सनल फीलिंग है, अब सबको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन सिंगल चैनल ABS भी काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो RS और NSE है अभी भी, क्योंकि प्राइस इतना कॉम्पिटेटिव नहीं है। बाइक तो बहुत कॉम्पिटेटिव बनाई है उन्होंने, 150cc के लगभग हर बाइक को वो हरा सकती है। बाकी जैसे ही बाइक आ जाएगी टेस्ट राइड के लिए हमारे पास कॉल आएगी, हम तुरंत टेस्ट राइड लेके और जितनी जल्दी हो सकता है वीडियो आउट कर देंगे चैनल पे अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये यहीं पे फिनिश करते हैं और बाय बाय।